बीज का मतलब होता है पति को पहले मार दो। दूसरे को क्या कहेंगे, हम अपने घर की बात करते हैं। हम कहीं गए थे घूमने और पंडित जा रहा था, हमारा पत्नी दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। अलगेश कहता है दुल्हीन एने आई है। हमारा पत्नी पहुंच गई, कहा हे आर कोनो नहीं परब करबे नहीं करी है, लेकिन तीज जरूर कर ली। तीस जाने छो पति का आयु बढ़े छ। हमरा नहीं बोले है, दूसरे पंडा पुजारी बोला ली है, दो चार सौ लेते आर की कर। उसके दिमाग में बैठ गई। जब हम आए बाहर से चार दिन के बाद, कहे 2000 हमको रुपया दीजिए, बहुत जरूरी है। कहिए बोलो न क्या काम है। अत बहुत जरूरी, कहिए बहुत जरूरी है तो एटीएम तुम्हारे पास है, निकाल लेती। कहे नहीं, बिना आपसे पूछे कैसे निकाल। अत क्या जरूरी है बोलो न। अत हम नहीं माने छी। कहिए एकदम मानबे। बोलो की बात। आते वो पंडा जी एलखिन, कलखिन कोई पर्व नहीं करबे नहीं करो, तीज जरूर कर ली है। तीज करला से पति का आयु बढ़े। कहिए आयु बढ़े वाला बात है तो हम 20,000 लाते देवे, 2000 के बात केना की कल खुना। तो तीज कैला से हम तीज करबे तो अहाँ का आयु बढ़ते। कहिए बहुत बढ़िया बात। हम कह छो 8-10-20 हजार लागे। फिर पंडा आते ओकरा पूछी हो जे हम व्रत करबे तो पति का आयु बढ़ते, कोनो व्रत ऐसन बतैयो जे हमर पति करथिन तो हमरो आयु बढ़े, आ नहीं तो व्रत करबे तोहर आयु बढ़ते आ हमर आयु बढ़ते, अगुआ तो मर जेबे तो हम असकरे झाल बजाय। कहे नहीं तो बढ़िए बात कह ली। 20 दिन तीज का था, हम फिर चल गए घूमते हैं सब हर जगह। फिर पंडा आ गया कल्हे होकर, कहते पंडा जी हमारा पति मान गए बात तीज करने वाली, लेकिन कोई व्रत ऐसा बताइए जे हमारा पति करेंगे हमरो आयु बढ़े। कहा ऐसा कोई व्रत नहीं, ऐसा कोई व्रत नहीं है जो पति करे। अभी पति करने वाला कोई व्रत नहीं है, क्योंकि महिला दिमाग से गुलाम है, उसको जो कहेगा पंडा वो कर लेगा। लेकिन पुरुष लोग तो होशियार हैं, वो समझते हैं इस बात। तो फिर कहा ऐसा कोई व्रत नहीं। जब हम आए तो कहा कि जी पंडा ऐसा कोई व्रत कहा नहीं है। कल एक बात करो, हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, तो अपना मोबाइल लगा दो चार्ज में, हम देखते हैं हमारा मोबाइल चार्ज होता है कि नहीं। कल वो कैसे होगा, कल ये व्रत करेगी तू आयु बढ़ेगा हमारा, व्रत करेगी तू तो हमरो आयु तुम में जाएगा, हम पहले मरेंगे, मरना हमारा पहले तय। हमारा दरवाजा पर चाची बैठी थी, कहिए चाची तुम व्रत करे रहो कि नहीं। आता हूँ कल व्रत करे रहो तुम विधवा क्या भाग ले। कल मल गन्होल मल मोहल्ला में क्या विधवा, 29 गो विधवा, सब तीज करने वाले। तीज का मतलब होता है पति को पहले मार दो। इसलिए बंधु जिसको करना है हम मना नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देखा गया है तो हम अब जादू की ओर चलना चाहते हैं। जादू कुछ होता नहीं, जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं।